आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि सावन की शिवरात्रि है और 7 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। हम सभी को मंदिर टाइम पे पहुंचना था, तो अपना सारा काम निपटा के मैं पहुंच चुकी थी मंदिर। पूजा शुरू हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये जो पूजा होती है गाइस, वो पूरे विधि विधान के साथ होती है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊँगी। वैसे ज़्यादा मैं बना नहीं पाई क्योंकि यहाँ पर सभी पूजा पाठ में हैं और गई से यहाँ पे अंदर पंडित जी बैठे हैं, पूजा करवा रहे हैं और हम लोग बाहर बैठ के जो है यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। चावल शिवाय नमस्तो। अंदर जो है पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, जोड़े में बैठे हैं जो मंदिर के अंदर हैं, वो सभी लोग जोड़े में हैं और हम बाहर बैठ के पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। तो पूजा पूरे विधि विधान के साथ होती है। बहुत टाइम लग जाता है, जैसे पार्थिव पूजा होता है ना, वो उसी टाइप में होता है। और जो भी भगवान जी को चढ़ता है वो 108 108 करके चढ़ता है। तो यही है गाइस, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा मैं बना नहीं पाई क्योंकि और टाइम क्या होता है ना, बच्चे होते हैं तो बच्चों से मैं हेल्प ले लेती हूँ वीडियो बनाने के लिए। बट आज कोई भी बच्चे नहीं थे क्योंकि सभी का स्कूल था। फिर सभी लोग पूजा पाठ में बैठे हुए हैं, वहाँ पे भगवान जी को जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसमें सभी वो चढ़ाने में लगे, इसलिए वीडियो में ज़्यादा बड़ी बना नहीं पाई। पूजा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे चल रही है आरती, और आरती करने के बाद फिर हम लोग 2-3 भजन गाएंगे और इसके बाद गाइस हमारी पूजा कंप्लीट होके हम सीधे आ जाएंगे घर। तो गाइस, पूजा पाठ हमारी अच्छे से निपट चुके थे और टाइम हो चुका था, 12:30 बज चुके थे सारी पूजा पाठ कंप्लीट होने में, यानी 7 बजे से दोपहर के 12:30। अभी भी मंदिर में 1-2 भजन और चल रहे हैं, बट मैं आ चुकी थी क्योंकि दोपहर का खाना बनाने का भी टाइम हो चुका था और घर में कोई था नहीं। तो गाइस, फिर इसके बाद मैं सीधे आई हूँ। अभी अंदर ये प्रसाद दे रखा है तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, चेक लेती हूँ। तो मैं जो है, अब मुझे भूख भी लगने लग गई क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी खाया भी नहीं, कुछ भी पिया भी नहीं। तो
हस्बैंड भी चले चुके हैं, अंशु तो स्कूल गया है, सैटरडे है तो हो सकता है वो आज थोड़ा सा जल्दी आ जाए, इसलिए मेरे को ये भी हो रहा था कि टाइम पे घर जाके खाना बनाना है। और ये फिर से लौकी आ चुकी है, ये लौकी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये ताज़ी है, दीदी लोग के वहाँ पता नहीं खेत में लगी है, तो दीदी भिजवाती रहती है, सब्जी आ जाती है वहाँ से भी कभी कभी ताज़ी ताज़ी। तो ये देखिए गाइस दूध, तो मैंने आते ही सबसे पहले रखा दूध, क्योंकि गर्मी में फिर क्या पता फट ना जाए, टाइम बहुत हो चुका था। और अभी किचन का भी काम बाकी है मेरा, और भी जो बचे कुचे काम है वो भी बाकी है, बहुत सारे काम तो मैं सुबह ही निपटा के चली गई थी, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम है अभी। तो सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी ऐसी पहने रहती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, मंदिर में भी इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े पेड़ है ना, तो सभी लोग कह रहे थे कि आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। बीच में ना ये सावन के महीने में हर रोज़ भजन कीर्तन वहाँ पे होते रहते हैं, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, बट आज तो बहुत बड़ी पूजा थी तो मैं चली गई। तो हमारा छोटा सा मंदिर है घर के बगल में, प्यारा सा, पूजा पाठ करने में बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल रोड के बगल में ही है, शिव जी का मंदिर है। तो फिर जो है हमारे जब भी पूजा पाठ या ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो हम वहीं करते हैं। फिर ना गाइस मैंने कहा मैं क्या खाऊं, क्योंकि भूख लग चुकी थी, अभी खाना बनाने में टाइम था, तो ये बेसन, फिर मैंने कहा एक दो ना मैं अपने लिए ब्रेड ही बना लेती हूँ और चाय पीती हूँ। अगर मैं चाय पी के गई होती ना तो मुझे फिर कोई भूख नहीं लगती, मतलब कोई मतलब नहीं है मुझे, मगर ये है कि आज मैं चाय भी नहीं पी के गई, तो वो होता है ना कि मतलब थोड़ा सा ना पियो, जिनको आदत होती है उनको पता है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ सुबह और शाम की, शाम की भी चाय मैं स्किप कर सकती हूँ, बट सुबह की चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके बाद गई थोड़ा सा बेसन ले लिया है और इसी में थोड़ा सा मसाले डाल लिए हैं और उसको अच्छे से घोल लिया था, ब्रेड मैं निकाल के लेके आ चुकी हूँ, तो दो ब्रेड इसमें से मैं कट कर लूँगी अपने लिए, तल लूँगी, वहाँ पर कढ़ाई मैंने लगा दी है, और दूसरे साइड में रख लूँगी चाय। पहले जो है भगवान की पूजा हो चुकी है, फिर अपनी पूजा, पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर काम करते रहेंगे। मैं सोच रही हूँ खाना पीना निपटा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने में मुझे टाइम लग जाएगा, कपड़े बाथरूम में बहुत सारे एक टब भर के कपड़े हैं, तो ये ना हो कि फिर मैं अपने कपड़े धोने लगी और अंशु आ जाए, वो सीधे आते ही बोलता है मम्मा खाना, क्योंकि आज वो हल्का फुल्का खा के गया है तो फिर उसे भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको घोल लिया था, बस ब्रेड को मैं तल लेती हूँ। तो ब्रेड तलते तलते मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैं आज खाने में क्या बनाऊं, तो आज मैंने कहा चलो प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे, तो दाल मैं देख रही थी, दाल तो बहुत सारी पड़ी है, अलग अलग प्रकार की दाल पड़ी है, फिर मेरे दिमाग में आया मूंग की दाल बनाते हैं, बहुत टाइम हो गया, तो मसूर भी नहीं चलेगा ना आज के दिन, तो खैर छोड़ ही देते हैं, फिर जो है कल से तो सब कुछ चल जाएगा। तो गाइस फिर जो है यहाँ पे मैंने ब्रेड काट लिए थे उसको हाफ हाफ करके, और इसके बाद इसमें सॉस लगा लिया है, चाय बन चुकी है हमारी, तो लेके चलती हूँ। बर्तन मैंने सिंक में डाल दिया है पानी डाल के, गरम चाय, और ये है ब्रेड और हमारी चाय, तो सीधे मैं जो है बाहर लेके चलती हूँ, पहले आराम से खा पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम तो करते रहेंगे।
चाय पीने के बाद गाइस फिर मैं आ चुकी हूँ सीधे किचन में, और यहाँ पे मेरी खाना बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने दो टमाटर निकाले हैं, दो तीन हरी मिर्च निकाले और मूंग की दाल को थोड़ी देर भिगोने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दो चार आलू काट ले रही हूँ छोटे छोटे। वैसे तो मुझे दाल में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आलू डालने का एक रीज़न ये भी है, जो सूजी है ना उसको आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं दाल में अगर आलू नहीं डालूंगी तो वो दाल चावल कभी खाती ही नहीं है। आलू डाल के थोड़ा सा दाल थोड़ा सा आलू और चावल को मिक्स करके देती हूँ तो अच्छे से खा लेती है। तो टमाटर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको सीधे इसमें डाल के भून लूँगी मैं। तो सिंपल तरीके से ही बनेगी दाल। मैंने पहले तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था और सीधे फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी, नमक डाल के थोड़ा सा गला दूँगी। ये तो मुझे एक बार ये भी कमेंट आया था, प्याज और टमाटर एक साथ क्यों डाल देते हो। देखिए खाने और पीने का ना सबका अपना अपना स्वाद होता है। इंसान हर चीज़ दूसरे की पसंद का कर सकता है, बट खाना इंसान सिर्फ अपनी ही पसंद का खाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब खाना किसी की पसंद का थोड़ी ना खा सकते हैं। तो बस यही है, मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ। मेरे को एक साथ डालना ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए। तो जो है मैंने मसाले इसमें डाल दिए थे, जैसे जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल दिया था। उसके बाद थोड़ी देर इसको भून लिया था, दाल और ये आलू अच्छे से धो धा के इसमें डाल दिया है। और इसके बाद थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैंने जितना मुझे पानी चाहिए था ना गाइस उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे सीटी लगा लेंगे। और इसी के साथ में जो है मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर लूँगी, एक एक कपड़ा सब जगह मार के साफ़ सुथरा कर लूँगी, क्योंकि अब जो किचन का काम है वो थोड़ी देर रुक जाएगा, अभी बर्तन है मेरे। इस दाल चढ़ा दी है इसमें और दूसरे कुकर में मैंने चावल भिगो के रख दिया है। अंशु के आने से 10-15 मिनट पहले ही मैं चावल को रखूंगी, तो अभी टाइम है अंशु के, मतलब देखो कब तक आता है। सैटरडे है तो हो सकता है जल्दी भी आए, हो सकता है लेट में भी आए, तो वही उनके जब ये लोग आएंगे ना उसी समय में चावल रखूंगी। बट ये है कि अपना काम मैंने कर लिया, वरना क्या रहता ना, काम तो मेरे अभी कपड़े धोने हैं, टप में मैंने कपड़े रखे हैं, वैसे कपड़े धोने हैं और बाकी तो मैंने निपटा ही दिया आके। तो अब मेरे तो टाइम भी हो गया, 1 या 1.5 बज गए हैं गाइस। अभी वेट लिया है, जितने भी बर्तन यूज हुए थे सब सिंक में भर दिया है। अब फटाफट से बर्तन धोती हूँ। तो गाइस बर्तन ना मैंने सारे एक ही बार में मल लिए थे, अब मैं यहाँ पे सिर्फ धोने का काम कर रही हूँ। तो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा काट काट के बना रखी है, तो बस बर्तन भी यहाँ पे मेरे धो दिए हैं लगभग। इनको थोड़ी देर पानी निकलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद गाइस फिर मैंने सोचा था मैं साड़ी पूरे दिन भर पहनूंगी, मगर फिर यही था ना कि काम मुझसे काफ़ी स्लो हो रहा था और अभी भी बहुत सारे काम होते हैं, खाना पीना बर्तन धोना, और साड़ी मतलब मेरे पास वो भी नहीं है ना, एफ्रन भी नहीं है, तो गंदा हो जा रहा था किचन में काम करने में। तो मैंने कहा चलो धो देती, मतलब उसको उतार देती हूँ, धोऊँगी तो मैं खैर खल को। और इसके बाद फिर मैं सूजी को टॉयलेट कराने भी लेके के लिए चली गई थी, इसको मतलब टॉयलेट करा के फिर आके यहाँ पर मैं सीधे कपड़े धोने का काम करती हूँ। कपड़े मैंने धो दिए थे, मतलब ब्रश से साफ़ कर लिए थे,
बस उनको पानी में निकालना था, तो दो तीन पानी मैंने निकाल लिया है और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ कपड़े को सुखाने डालने के लिए। तो आज धूप है नहीं गई और टाइम भी बहुत हो चुका है, एक दो बजने वाले होंगे, अब तो दो बज गए हैं लगभग। तो आज तो ये कपड़े सूखेंगे नहीं शाम तक, देखो क्योंकि मौसम को देख के लग नहीं रहा है। खैर जो भी है, कपड़े तो मैंने धो दिए और इसके बाद फिर गई मैं कपड़े सुखाने डालने के बाद फिर सीधे आ चुकी थी अंदर। तब तक जो भी मेरे बर्तनों में से पानी निकल चुका है उनको फिर मैं यहाँ पे उनकी जगह पे लगा दूंगी। अंशु भी आ चुका था और फिर यहाँ पे खाना बनके तैयार हो चुका था। बर्तन लगाने के बाद मैंने काट लिया है सैलेड, बस अब बारी थी खाना लगाने की। तो गाइस खाना पीना भी हो चुका है हमारा और अब बारी थी फिर से किचन की सफाई करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बर्तन धो के साइड कर लिया था और सिंक को भी साफ़ कर लिया था, ऊपर स्लैब में कपड़ा मार लिया था। इसके बाद फिर मैं नीचे झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाते हुए फिर मैं पूरे कमरे में एक बार झाड़ू मार लूँगी। कभी कभार मैं किचन और सिर्फ लॉबी में लगाती हूँ, फिर मुझे लगता है तो शाम को एक झाड़ू और लगा लेती हूँ, वरना अगर दोपहर में लगाती हूँ तो फिर शाम को मैं नहीं भी लगाती। अंदर का झाड़ू हो चुका था, इसके बाद मैं आ चुकी हूँ बाहर। और बाहर सूजी ना गमलों से मिट्टी निकाल के ऐसा कर देती है ना, ये कभी कभी गमलों के फूल भी खा जाती है, तो इसने यहाँ पे इस वाले गमले से इतनी सारी मिट्टी निकाल के रखी है। तो बाहर भी मैं जो है अच्छे से सफाई कर लूँगी और कपड़े जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, तो आज ये सूखने वाले हैं नहीं। तो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद मैं फूल दिखाती हूँ आपको गुड़हल का, क्योंकि आज इसमें फूल खिला है काफ़ी टाइम बाद। बीच में तो इसमें ना एक मुरझाता था दूसरा खिलता था, बट आज काफ़ी टाइम बाद खिला हुआ है। कल इसमें दवाई डाली थी और इसका साइज़ भी छोटा बड़ा होता रहता, कभी कभी इतना छोटा खिलता और कभी कभी इतना बड़ा खिलता है। तो यही है गाइस, और इसी के साथ ही गाइस आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। मतलब अब तो जो है पूरा दिन ऐसा लगता है कि ऐसे ही निकल गया, क्योंकि सुबह के 4 बजे से उठी और शाम के 3:30 हो चुके हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। बाय बाय, टेक केयर।